गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखो पाव भाजी बना रहे हैं आज, होममेड पाव भाजी। ये है ना कॉबीज फ्लावर और आलू उबाल के नमक डाल के मैंने दो सीटी लगा के उबाल दिया है। देखो ये आप देख सकते हो मैंने चॉप किया है। ये ऑयल लिया है। ये है ना एक तपेली में थोड़ा सा मटर अलग से मैंने उबाला है। अलग से उबालने से ये है ना मिक्स नहीं हो जाते बहुत। ये ऑयल लिया है, दो चम्मच राई जीरा और ये हींग डाली मैंने। और ये देखो आप प्याज, दो टमाटर और एक कैप्सिकम की मैंने है ना चॉप किया है। चॉपर में चॉप किया हुआ ये डालते हैं। लहसुन है दो तीन कड़ी और उसमें मैंने है ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे बहुत तीखा नहीं होगा। इसको कद्दूकस करके फिर ये ग्रेवी में डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये है ना बटर में भी बना सकते हैं। जितनी ऑयल में धीमी आंच पे फ्राई होगी ना उतना ही टेस्टी भाजी बनेगी हमारी। खाली हुई सब्जियां डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्च है जिससे तीखा नहीं होगा, कलर ही आएगा। देखिए ये हमारी भाजी बनके रेडी हुई है। उसमें अलग से मटर डालेंगे, एक चीज रह गई है डालने को, ऐसे उबाले हुए मटर हम डालेंगे जिससे उसका दिखावा भी अच्छा होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा मटर का। बस पति ही बोलते हो भाजी में तो पूरे थे। देखो ये 5 मिनट्स में, देखो मैं मिनट्स में भाजी मेरी रेडी हो गई है।
बाय बाय।